the Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज आपको बताऊंगी कि सोने का दाम क्या हो रहा है, क्या आप खरीद सकते हैं और क्या ये सही वक्त है सोना खरीदने का। साथ ही साथ बताऊंगी कि अक्टूबर में कौन सा नया फ़ोन लॉन्च होने की तैयारी शुरू हो चुकी है और भी कई तमाम खबरें हैं जिन्हें आज द डॉन एक्सप्रेस में मैं लेकर आई हूं। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा, हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं द डॉन एक्सप्रेस की पहली खबर के साथ। लीक डिटेल के मुताबिक स्मार्टफोन एक धमाकेदार अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा। वेबसाइट एड4 की डिलीवरी 20 अक्टूबर से करने का दावा कर रही है। जी हाँ, प्रीमियम एंड्रॉयड स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी अब जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 8T लॉन्च करने वाली है। हालांकि लॉन्चिंग से पहले इसकी कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं। इसमें एक जर्मनी की वेबसाइट ने डिटेल लिस्ट किया है। लिस्टिंग में मुताबिक इसकी कीमत 699 यूरो करीब 60,000 रुपये है, जो कि 12GB रैम और 256GB वेरिएंट के साथ उपस्थित होगी आप सभी के सामने। जी हाँ, तो अगर आप तैयार हैं इस फोन को खरीदने के लिए तो बस आपको अक्टूबर तक का इंतज़ार करना होगा। OnePlus 8T के स्पेसिफिकेशन बहुत ही खास हैं, जो आपको लॉन्चिंग के वक्त खुद पता चल जाए। बेस्ट मोबाइल खरीदने की जब बात आती है तो ढेरों फोन मार्केट में आपके सामने आ जाते हैं। हर यूजर अपनी ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहता है। किसी को बेस्ट बैटरी बैकअप वाला मोबाइल चाहिए तो किसी को अच्छी लुक के साथ मोबाइल चाहिए। वहीं मोबाइल गेम खेलने वालों के लिए बैटरी बैकअप के साथ फ़ोन की बेस्ट प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए होती है ताकि वो देर तक गेम खेल सके। यहाँ आपको मोबाइल इंडस्ट्री की इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर कुछ चुनिंदा फ़ोन मॉडल्स के बारे में बता रहे हैं जो मोबाइल इंडस्ट्री में या तो गेम चेंजर बन सकते हैं और इनफैक्ट बन भी चुके हैं। इस श्रेणी में सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा ने बाजी मारी है। ये फ़ोन कई मामलों में यूजर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। 6.9 इंच का ये फ़ोन है जिसको लोग खासा पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, और इसके साथ साथ गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा फ़ोन की कीमत 1,05,000 रुपये है। जी हाँ, फ़ोन के उपयोग की बेहतरीन कैमरे की ज़रूरत आज मोबाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं गूगल पिक्सल X4 XL ने बाजी मार ली है। गूगल ने अपना कैमरा बहुत ही बेस्ट रखा है। जी हाँ, और इसके साथ साथ और भी कई मोबाइल हैं जिनको लोग खासा पसंद कर रहे हैं, जैसे गूगल पिक्सल 4a जिसकी कीमत 26,000 रुपये है और गैलेक्सी S20 अल्ट्रा भी इसमें बहुत दावेदार मामला बन रहा है, जिसमें लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार कौन सा मोबाइल चूज़ कर सकते हैं। स्मार्टफोन ब्रांड मोटोरोला ने भारत में एक स्मार्टफोन मोटो E7 को लॉन्च किया है जिसकी कीमत 9,499 रुपये रखी गई है। जी हाँ, ये बहुत ही शानदार मोबाइल है। 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पे आप इसको खरीद सकते हैं। इसे दो कलर में पेश किया गया है, ब्लू और ट्वाइलाइट। जी हाँ, कंपनी ने एक बयान दिया है जिसमें मोटोरोला की ई सीरीज़ वाले स्मार्टफोन दुनिया भर में उन स्मार्टफोन यूजर्स की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मशहूर है, जिनमें नए ज़माने के डिज़ाइन और बेहतरीन फीचर्स के साथ साथ गुणवत्ता में सुधारने की चाहत है। मोटो E7 के बहुत ही स्मार्ट फीचर्स हैं। 6.5 इंच का इसका डिस्प्ले है और स्मार्टफोन में 20.9 के ऑफसेट रेशियो के साथ भी इसे पेश किया गया है। तो अगर आप रेडी हैं मोटो E7 के लिए तो आपको बस 30 सितंबर का इंतज़ार करना होगा, जब फ्लिपकार्ट पर आप इसे खरीद सकते हैं। एप्पल अपनी मोस्ट अवेटेड सीरीज़ आईफोन 12 को 13 अक्टूबर को लॉन्च कर सकती है। एप्पल ने रिपोर्ट दी है जिसके मुताबिक एप्पल इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर एंड सर्विस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने आगामी आईफोन के निजी 5G की क्षमताओं के बारे में यूके कैरियर प्रेजेंटेशन में बोलते हुए कहा कि प्रेजेंटेशन के दौरान ब्रिटिश टेलीकॉम ने CEO मार्क के सामने ये बताया कि हम एप्पल के अगले लॉन्च 5G आईफोन के कुछ दिनों की दूरी पर है, जो कि 5G के लिए बड़ा बूस्ट है। इसे लॉन्च करने के लिए कंज्यूमर पूरे साल तैयारी की है और साथ ही एप्पल को यूरोप का नंबर 1 पार्टनर बनने के लिए भी कहा गया। टेक जॉइंट ने इस साल आईफोन 12 सीरीज के
तहत 4 नए आईफोन लॉन्च की उम्मीद है, 2 प्रीमियम है और बाकी 5.4 इंच वाले आईफोन 12 की शुरुआती कीमत $649 हो सकती है। वहीं 6.1 इंच वाले आईफोन 12 को $749 के प्राइस टैग के साथ पेश किया जाएगा। तो ये आप तय कीजिए कि आपको कौन से प्राइस वाला आईफोन अपने पास चाहिए। पूर्वोत्तर से केंद्रित पुलिस सेवा में आने वाली पहली महिला व मशहूर इतिहासकार राणा सफवी को यमीन हजारिका की स्मृति में स्थापित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संस्कृति, इतिहास और भारत में स्मारकों पर कई किताबें प्रकाशित कर चुकी हैं और भारतीय संस्कृति में उनको काफी योगदान माना गया है। असम में आने वाली हजारिका का चयन 1977 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और लक्षद्वीप, दमन और द्वीप और दादर जैसे हवेली पुलिस सेवा में हुआ था। जी हाँ, हवेली पुलिस सेवा में उनका चयन हुआ था और ये सम्मान समारोह डिजिटल रूप से आयोजित किया गया। इसमें हजारिका की बेटी हुमा ने दिल्ली में रजत स्मृति चिन्ह दिया। इस मौके पर असम के पुलिस भास्कर ज्योति महंत प्रमुख अतिथि थे। यमीन हजारिका पुरस्कार 2015 से प्रत्येक वर्ष महिला पेशेवर को उनके योगदान के लिए दिया जाता है। हम सब द डॉन एक्सप्रेस की पूरी टीम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। देश के बचपन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी रखने वाली सरकारी स्कूल आजकल खुद एक गंदगी का ढेर बन चुके हैं। 15 राज्यों में कई फीसदी सरकारी स्कूलों के टॉयलेट में साफ सफाई के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की बात नियंत्रक व महालेख परीक्षक ने संसद में पेश की गई और इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की गई। इतना ही नहीं, केंद्रीय सरकार कंपनी की तरफ से स्कूलों में बनवाए गए 11% टॉयलेट अपनी जगह से गायब मिले, यानी इनका निर्माण केवल कागजों पर ही दर्ज है, जबकि 30% टॉयलेट संचालित ही नहीं किए जा रहे हैं। कैग ने दरअसल 15 राज्यों में कई स्कूलों में उनके टॉयलेट का आदेश दिया था। ये टॉयलेट 2014 में शिक्षा मंत्रालय की अपील पर 4 मंत्रालयों की सरकारी कंपनियों की तरफ से निर्माणित किए गए थे और इनमें से कई टॉयलेट अभी तक संचालित ही नहीं किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 200 टॉयलेट महज कागजों पर भी बने हुए हैं, जबकि कई आंशिक निर्माण ही हुआ है। ऐसे में कई योजनाएं ऐसी हैं जो अभी भी ठप पड़ी हैं। लड़के और लड़कियों का अलग टॉयलेट अभी भी नहीं किया गया है। ये निर्माण अभियान लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट के लक्ष्य के तहत चलाया गया था, जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दुनिया में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 180 देश कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, जिसमें से कई देशों की वैक्सीन ट्रायल पे आखिरी स्टेज पर है। मगर इस बात में एक बुरी खबर सामने आई है कि 2024 के अंत तक मिलेगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का कहना है कि लोगों को 2024 तक वैक्सीन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कंपनी के प्रमुख का कहना है कि अगर कोरोना वैक्सीन बन भी गई, 2024 के अंत तक ही लोगों को मिल पाएगी। जी हां, उनका कहना है कि अनुसंधान के बिंदुओं के टीके की प्राप्त करने और उन्हें रोगियों तक पहुँचाने की मंजूरी देने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसकी वजह से ही कई अरबों डॉलर का जुटाना भी इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि जटिल भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 2024 तक का समय बिल्कुल लग सकता है। जाने माने उद्योगपति बिल गेट्स ने कहा कि घर में काम करने की संस्कृति बेहतर तरीके से काम कर रही है और कई कंपनियां कोरोना वायरस महामारी समाप्त होने के बाद भी ये व्यवस्था जारी रखेंगी। कोविड-19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर में रखने की सुविधा देने पर मजबूर हो रही हैं और वहीं उनका कहना है कि ये बहुत ही कारगर साबित हो रही है। गेट्स ने अंग्रेजी अखबार में ये कहा कि ये देखना अद्भुत है कि कैसे घर में काम करने की व्यवस्था काम कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि महामारी के समाप्त होने के बाद भी ये कार्य संस्कृति बनी रहेगी। जी हाँ, वो इसके पूरे फेवर में है और उन्होंने कहा कि इस साल अब काम के सिलसिले में यात्रा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा, सच कहें तो उनको समय नहीं मिल पा रहा है, आँखें खोलने वाला है ये वक्त उनके लिए और हम यही मानते हैं कि ये आंखें खोलने वाला हर किसी के लिए समय चल रहा है। केंद्र सरकार ने अपने साइबर जागरूकता ट्विटर हैंडल पर एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में यूजर्स को अज्ञात यूआरएल में ऑक्सीमीटर
एप्लीकेशन डाउनलोड करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। इसमें कहा गया है कि जब ये ऐप यूजर्स के शरीर में ऑक्सीजन के स्तर की जांच करने का दावा करते हैं तो वो नकली हो सकते हैं और व्यक्तिगत डेटा जैसे कि इमेज और आपके दिल की धड़कन जैसी जानकारी फोन से चुरा सकते हैं। एडवाइजरी के मुताबिक ऐसे ऐप यूजर्स में उनको बायोमेट्रिक उंगलियों के निशान मांगकर बायोमेट्रिक जानकारी भी चुरा सकते हैं। ऑक्सीमीटर यूजर के खून की ऑक्सीजन की मात्रा चेक करते हैं और दिल की धड़कनों से आपका सारा डेटा ट्रैक कर सकते हैं, तो इसलिए आपको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि अगर आपका फोन खो गया तो आप उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। अगर आपका फोन कहीं गुम हो गया है तो खोए हुए दूसरा फोन या पीसी से गूगल पे एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर सर्च करें और इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका जीमेल लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, तो अपना जीमेल और पासवर्ड लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद इस तरह से ये ऑप्शन आपको आएगा और एक्सेप्ट करने पर आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसके बाद ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपका जो खोया हुआ फ़ोन है वो मिलने की पूरी आशंका हो सकती है। इसमें तीन ऑप्शन आते हैं, 1 रिंग, 2 लॉक, 3 इरेज। रिंग 1 कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन साइलेंट पर कर देता है और फ़ोन कहीं घर में रख कर आप भूल जाते हैं। ऐसे में रिंग पर क्लिक करें। क्लिक करने पे अगर आपका फ़ोन साइलेंट हुआ तो भी रिंग करेगा और रिंग की सहायता से आप अपना फ़ोन खोज सकते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर मैं कहूँ तो लॉकअप से आपके फ़ोन का लॉक कहीं भी चेंज कर सकते हैं। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन कहीं रख देते हैं और आपका लॉक किसी और को मालूम है, तो आप कहीं भी इसे चेंज कर सकते हैं अपने सेफ्टी के लिए। इरेज, आपका फ़ोन चोरी या गुम हो गया है तो इरेज पे क्लिक करके आप अपने फ़ोन का सारा डेटा डिलीट कर सकते हैं ताकि आपकी आईडी का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो हुई ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आप इस पे सर्च ज़रूर करिएगा। महामारी की वजह से भारतीय रिटेल स्टेट में साल जनवरी से अगस्त तक की निजी इक्विटी निवेश में 85% गिरावट रही। इस दौरान कुल निजी निवेश 6,500 रुपये रहा। फिक्की और कोलियर इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने आया है। उद्योग संगठन फिक्की ने बुधवार को बताया कि कोविड-19 के कारण रिटेल स्टेट की मांग में कमी आई है और निवेशक भी सतर्कता बरत रहे हैं। पिछले साल के समान अवधि में क्षेत्र में 42,500 रुपये का निजी निफ्टी सामने दिखा। जी हाँ, 2020 में अब तक सबसे ज्यादा निवेश डाटा सेंटर के आकर्षित किया है। इसके अलावा 24% यानी 1500 करोड़ उद्योग भंडार क्षेत्र को, 12% होटल को, 9% और हाउसिंग क्षेत्र को 8% निवेश मिला है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपको बताएंगे कि अगर आप गहने खरीदना चाहते हैं तो ये बहुत ही सही वक्त है। दरअसल भारत में सोना और चांदी की मांग सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ के लोग सोना चांदी के आभूषण पहनने के काफ़ी शौकीन होते हैं। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हर क्षेत्र में मंदी ने पैर पसार लिए हैं। इधर दूसरी वेव आने की आशंका के चलते निवेशकों ने डॉलर में अब खरीदारी शुरू कर दी है। इसके लिए अमेरिकी डॉलर में तेजी आ गई है जिसका असर सोना और चांदी की कीमतों पर दिख रहा है। बुधवार को भी सोने की कीमतों में गिरावट आई है। जी हां, अक्टूबर में सोना का वायदा 4% था, गिरकर 50-180 प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 1.6% गिरकर 60,250 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इस सप्ताह दुनिया भर में कीमत धातु की कीमतों में भारी गिरावट आई है। पिछले सत्र में सोने की कीमतों में 100 रुपये की गिरावट आई थी, वहीं सोमवार को सोने के दाम 1200 रुपये टूट गए थे। तो अगर आप सोने के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से टेक्निकल ऑफिसर के कुल 17 पदों पर नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पदों की संख्या 17 है और टेक्निकल ऑफिसर इस पद का नाम है और ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तारीख 18 सितंबर 2020 है और खत्म होने की तारीख 30 सितंबर 2020 है। उम्मीदवार ने कम से कम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग डिग्री पास की होनी चाहिए और उपयुक्त पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट careers.ecil.co.in पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ देते हैं कि जो भी इसके लिए अप्लाई करें वो अपनी कड़ी मेहनत से इस पद पर उम्मीदवार हो।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ। आप हमारा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। हमारे वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ फैमिली एंड फ्रेंड्स में हमारी वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। सह आभार। डेली हंस डेली होम। नमस्कार।